अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबके खिदमत में हाज़िर हैं फिर से एक लेटेस्ट टॉप के अपडेट के साथ। तो फाइनली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, इन तमाम सवाल के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। ठीक है, सबसे पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट में भी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, इसके लिए अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री या कोई भी आपने बीए बीकॉम या कोई भी आपके पास डिग्री है या इंटरमीडिएट की बेस पर भी आप इन जॉब्स में इसीलिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएँगे, देन सेकेंड स्टेप में हम आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका और उसके साथ 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 आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी हम आपको बताएँगे। आप देख सकते हैं कि हमने आप सबके लिए जो इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले अगर आप देख लें तो हमारे पास आ रहा है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर सरगोधा डिवीज़न बीआरओ की जॉब है, जो कि नंबर पोस्ट की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास बीएस जो कि 11वें स्केल की जॉब है, जो कि कैशियर की जॉब है। ठीक है, जहाँ भी बीएस या बीपीएस लिखा हुआ है आ जाए तो आप समझ जाया करें कि ये गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो अगर आपके पास जो है कैशियर की जॉब है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए सेकेंड डिवीज़न से और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। ठीक है, मेल की एज है वो 30 साल होनी चाहिए, फीमेल की एज है वो 33 ईयर्स होनी चाहिए और अगर आप जेंडर मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो सरगोधा डिवीज़न ओनली सरगोधा बाकर और खुशाबाद और मियांवाली वाले डोमिसाइल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करी जाए तो आपके कमिश्नर ऑफिस सरगोधा डिवीज़न में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। ठीक है, अगर आपका टेस्ट लिया जाएगा तो टेस्ट किस तरीके कार का होगा, 1 पेपर एमसीक्यूज टेस्ट होगा जिसमें आपका 100 नंबरों का एमसीक्यूज टेस्ट होगा, 90 मिनट आपको दिया जाएगा टाइम ड्यूरेशन मतलब 1.5 घंटा और आपका जो टेस्ट लिया जाएगा जॉब रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 50% और 50% आपका जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तानी स्टडीज, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ आपके पास होंगी। नंबर सेकंड पर अगर हम देख लें इस एडवर्टाइजमेंट में जॉब जो कि पंजाब प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब है, इसमें भी आपके पास बीएस 14 स्केल की जॉब है, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की जॉब है। ठीक है, बीए आपका किया होना चाहिए सेकेंड डिवीज़न में और रिकनाइज इदारे से आपका किया होना चाहिए। मेल की अगर बात करें तो एज की वो 35 साल होनी चाहिए, फीमेल की जो एज है वो 33 ईयर्स होनी चाहिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल की बात करें तो ऑल पाकिस्तान और ऑल पंजाब बेसिस डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब होगी। ठीक है, आपका बेसिकली अगर टेस्ट लिया जाएगा तो वही क्राइटेरिया है, सेम है, 100 नंबरों का टेस्ट होगा जो कि आपके 90 मिनट में करना होगा। इसमें आपके सारे आप देख लीजिएगा, इनमें से आपका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। फिर अगर हम नीचे कर लें, नंबर 3rd पे आ रहा है पंजाब फूड अथॉरिटी फूड डिपार्टमेंट की जॉब है, जो कि इसमें आपकी बीएस 15वें स्केल की जॉब है, जो कि अकाउंटेंट की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपने बीए बीकॉम सेकंड डिवीज़न से आपका किया हुआ है तो और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से किया हुआ है तो आप इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो इनके पास होगा उनको प्रेफरेबल किया जाएगा। ठीक है, और आप ये बाकी भी देख लीजिएगा। अगर इसके लिए हम मेल की बात करें तो 35 साल होनी चाहिए, फीमेल की जो एज है वो 33 ईयर्स होनी चाहिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल की अगर हम बात करें तो ऑल पंजाब बेसिस होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन पंजाब में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। आपका एमसीक्यूज पेपर लिया जाएगा जो कि 100 नंबरों का होगा, आपने 90 मिनट में करना होगा। 50% जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो बीकॉम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और 50% जो है वो आपके जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर बेसिक स्टडीज़, आपको इसमें से 50% लिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जॉब्स ही जो इन्होंने अभी अनाउंस की है, आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का भी तरीका भी हम आपको बताते हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपने 15 जनवरी 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अगर अभी हम आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेके चले हैं, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि मेरे व्यूवर्स को कहीं और जाना ना पड़े। सबसे पहले आपने यहाँ से पढ़ लेना जो भी इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2023, यहाँ भी मेरे पास अभी आएगी ये करंट अवेलेबल जॉब्स में,
अभी हम आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका बता रहे हैं। आपने 32/2023 जैसे आप इस पे दबाएंगे ना, वो इस पे दबाया हमने, हमारे पास ये एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाएगी, जो मैंने भी आपको रीड करके बताई है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो चुका है। नंबर सेकंड स्टेप में अगर आप फॉर एग्जाम्पल इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ रहे कैशियर जॉब है जो कि ऑफिस ऑफ द कमिश्नर सरगोधा डिवीजन BRO, जो इसमें जो कि इन्होंने बताया एडवर्टाइजमेंट में, 15/1/2024 से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। इसकी अप्लाई करने की फ़ीस सिर्फ 600 रुपये है। ठीक है, इस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली कैशियर पे दबा देना है। कैशियर पे दबाने के बाद सारी ये वही चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई हैं, मेल और फीमेल की कितनी एज होनी चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 15/1/2024 से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है, फिर आपने सिंपली प्रोसीड पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद सिंपली आपको ने 6 स्टेप्स को क्लियरफाई करना है। सब नंबर फर्स्ट स्टेप में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। नंबर सेकंड स्टेप में आपकी जो भी फ़ी आपने पे की आपने वो अपलोड कर देनी है, उसकी ट्रांजेक्शन्स। नंबर थर्ड पे आपने अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। नंबर फोर्थ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। नंबर फिफ्थ पे आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आपने काम वगैरह किया और एक्सपीरियंस आपने वो ऐड कर देना है। नंबर सिक्स पे आपने अपनी जो एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। ठीक है, बेसिकली ये इनके स्टेप्स थे। सिंपली अगर आप इस पर दबाएँ, इस पे दबाने के बाद आप न्यू टैब पे आ जाएंगे। अगर आपने हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप अगर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ना चाहें वो भी आप देख लें। फोटोग्राफी और तस्वीरें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं इसमें से। आपने ऑनलाइन डिपॉजिट इजी पैसा जैस कैश और किसी भी ऑनलाइन बैंक के थ्रू करना है तो इनकी ट्रांजेक्शन 600 रुपये फी पे करनी है, वो भी तरीक़ेकार आपको पता चल जाएगा यहाँ से। और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप पे करने के बाद आपने किस तरीके से यहाँ पे सबमिट करनी है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आपने अगर हम इस पे दबा दें चेक बॉक्स पे, हमारे पास न्यू टैब आ जाएगा ऑनलाइन अप्लाई का। ऑनलाइन अप्लाई के पास सबसे पहले आप अपना यहाँ पे अपना CNIC नंबर और यहाँ पे दोबारा अपना CIC नंबर इंटर करने के बाद आप प्रोसीड हो जाएंगे इस जॉब के लिए। बेसिकली ये इनका जनरली और सिंपल तरीक़ेकार था ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए और इनके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए। हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और उसके साथ साथ आपने किस तरीके से इन जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड करना है। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। और आपने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब या नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।